हेलो गाइस, मैं आज आपको लेके आया हूँ साधु शहर के बार नंबर एक में, जो कि यहाँ पर पुराने सालों से जो ताजमहल कह सकते हैं उसी आकार का एक छोटा भाग है, जो बार नंबर एक खिचड़ावास में बना हुआ है। आज मैं आपको यहाँ पे देख के आया हूँ। बने रहे वीडियो को, चलते हैं, शुरू करते हैं। ये बहुत पुराना है, ये किला बना हुआ है खिचड़ावास में। यहाँ पर एक मंदिर भी है और इच्छापूर्ण मंदिर माना जाता है। यह नाथों द्वारा स्थापित किया गया है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और तो आप पूरा दिखाते हैं वीडियो में। दोस्तों, जो आपको पीछे दिख रहा है यह मंदिर है, यह बहुत पुराना है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ये साधु शहर के वार्ड नंबर एक में स्थित है, जो नाथों द्वारा स्थापना की गई है। यह इच्छापूर्ण मंदिर है। इसमें हम कोई भी प्रसाद या धूप लगा सकते हैं, जो कि सारी कष्ट दूर होते हैं। ये प्राणी मान्यताओं के अनुसार बना हुआ है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, जो अभी तक चल रहा है। आपको पूरे दर्शन कराऊंगा, पूरे टूर घुमाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, ये मंदिर है। ये बाहर हैंड पंप लगा है, जो पानी के लिए, हाथ धोने के लिए नलका लगा है। ये यहाँ से इसका मेन गेट है घूमने वाला। अब मैं इसके मंदिर के अंदर आ गया हूँ। इधर ये बालकनी है बैठने के लिए, ग्राउंड है यहाँ। ये पंडाल बना हुआ है इसमें बैठने के लिए, जो भी कोई जागरण या भंडारा होता है। आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, बने रहे वीडियो दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे है ये किला बना हुआ है, ये मंदिर है, ये पूरा एरिया घूम लो। बहुत पुराना है दोस्तों। अब मैं आपको मेन किले में लेके जाता हूँ, जो एक ताजमहल की तरह दिखाई देता है। ये पूरा किले की तरह अंदर पूरा व्हाइट कलर है, फर्श के अंदर रेड कलर हुआ है, लाल रंग है पूरा, आप देख सकते हैं। बहुत पुरानी 1946 की इसकी स्थापना हुई है। ये सारी आप पिलर देख सकते हैं, दीवार देख सकते हैं। इसमें मंदिर भी बना है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले इसको ध्यान से पूर्व देख लें आप। मैं इनके सेंटर में खड़ा हूँ, ये मेन गेट है इसका। यहाँ से पूरा वार का गेट दिख रहा है। ये इसका बार का गेट है, ये पंडाल है, ये वो किला है, आप देख सकते हैं पूरी गहराई से। ये देख लो, पूरी पुरानी कारीगरों के द्वारा कला दिखाई गई है। बहुत पुराना है ये। जो भी ये मैटर पढ़ सकते हो, इसकी स्थापना की है, इस पर कोई दान दिया है, जो भी पैसे लगाए हैं, जो समर्थि द्वारा तैयार किया है। ये साइड से आप देखते हैं, साइड का व्यू देखिए, पूरी कला के और पूरी कार्यक्रम मेहनत के साथ बनाया गया है। पुराने जमाने का है, 1946 का। और ये है इनके पास में मंदिर, ये नाथ जी बाबा का मंदिर है। आपको पूरा दिखाता हूँ। ये इसकी फिरनी है, इसमें धोख लगा सकते हैं। पीछे से पूरा एरिया खुला है। नौ नाथों द्वारा इनकी स्थापना हुई है। और ये जो समाधि है, पुराने नाथ थे उनकी वहाँ पर समाधि बनाई है। ये पूरा कवर किया हुआ है, दीवारें हैं। ये बैठने के लिए यहाँ पे या सीढ़ी या कुर्सियाँ या भी बनाई है, यहाँ बैठ सकते हैं।
जो पीछे दिख रहा है ये नाथ जी बाबा का मंदिर है जो पुराना है, और ये नाथ जी बाबा यहाँ पे रहते थे और सेवन करते थे उनकी, जो उनके समाधि बने हैं यहाँ पर। निश्चयधारी मंदिर है ये, कोई भी कष्ट हो या कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे हम भोग लगा सकते हैं या सुख सुख सकते हैं, इससे हमारे सारे दुख दूर होते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करने लाया हूँ। वार्ड नंबर 1 में खिजरावास में मंदिर स्थित है, आप वहाँ पे देख सकते हो, आ सकते हो। पास में इसमें एक बहुत चित्रीय देखने के लिए चीज़ है, एक किला टाइप है या ताजमहल टाइप है। पीछे आप देख सकते हो ये पूरा किला बना हुआ है, एक ताजमहल की तरह है, पीछे पूरा दिख सकता है। और ये इसका बात करें, पूरा कवर है संगमरमर के, ये पत्थर ये पूरा तैयार है, पीछे देख सकते हैं आप, इसका रिव्यू कर सकते हैं। और पास में ये मंदिर है, ये मंदिर देख सकते हैं, पौराणिक मान्यताओं द्वारा तैयार किया गया है, इसे आप देख सकते हैं। ये मेन गेट है बार का, ये सामने ट्रांसमीटर, सामने गली है, इधर ये कोठी बनी हुई है, इधर ये नोरा है, ये मंदिर है पूरा। ये बैठने के लिए बनाई गई ये कुर्सियाँ सी, इधर समाधि है, ये पूरा कवर हुआ है। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। मैं नील कुमार आपको लेके आया हूँ साधु शहर की बाल नवैक भूमि में, जो एक पुराने कारीगरों द्वारा कला दिखाई गई है। इसको एक छतरी या चार गुमदों वाला ताजमहल कहेंगे, जो पुरानी कला के अनुसार बनाया गया है। और पास में एक मंदिर भी है, ये देख सकते हैं आप, एक समाधि स्थल भी है पास में। और मैं नील कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज साधु शहर की भूमि पर बाल नंबर 1 में। और निर्माणकर्ता जो कि इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ आपके सामने है,